मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं, फरवरी के महीने में चुनाव है, मार्च के महीने में नतीजे आ जाएंगे, 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम। वादे करने बड़े आसान हैं, वादे निभाने बड़े मुश्किल हैं। हम आम आदमी पार्टी वाले जो वादे करते हैं वो वादे पूरे भी करते हैं। तू हरदा क्यों है, मरदा क्यों है, क्यों डोलदा है विश्वास तेरा, हुण नहीं है तू इकला, सरकार देगी साथ तेरा। अरविंद केजरीवाल दे इस बयान दा इस 17 वाला मतलब कढ लिया जावे तो कोई अतकथनी नहीं होवेगी, पर शायद सरकारां किसानां नूं ओह भरोसा हुण तक नहीं दवा सकियां जिस तो बाद करजई किसान इन्हां 17 ते भरोसा नहीं कर पाउंदा ते खुदकुशी दे राह जा तुरदा है। अरविंद केजरीवाल जी जे आख्या सी तां हुण करके दिखाउणा पऊ, पर हुण तुहाडी पार्टी दी सरकार ने फिर आखणा है कि कुछ समां लगेगा। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੰਦਾਤਾ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਦਾ ਪਾਹਾ ਗਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਚ ਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਹੋ ਸਕਤਾ ਆਪਕੋ ਯੇ ਲਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਵੋ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं, फरवरी के महीने में चुनाव है, मार्च के महीने में नतीजे आ जाएंगे, 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन बहुत हो गया, अब 70 साल हो गए, 70 साल के अंदर अगर हम ये, इसका मतलब इनकी नीयत खराब थी, ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता, इनकी नीयत खराब थी। पहले कहते थे स्कूल ठीक नहीं हो सकते, सरकारी स्कूल दिल्ली में करके दिखा दिया। पहले कहते थे सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते थे, दिल्ली में करके दिखा दिया। मैंने दिल्ली में जब पहला चुनाव लड़ा, मैंने कहा मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मेरा मजाक उड़ाते थे ये सारे पार्टी वाले। दिल्ली में करके दिखाई कि नहीं दिखाई? आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा, किसी किसान को हम खुदकुशी नहीं करने देंगे। अभी थोड़े दिन मैंने पढ़ा, मैं पंजाब की खेती के बारे में हम सब लोग मिलके पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग है। मैं 1 महीने बाद फिर आऊंगा, वो सारी प्लानिंग आपके सामने रखूंगा और आपको यकीन दिलाऊंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। लेकिन आज मैं अचानक इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने अखबारों में पढ़ा कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में बेमौसम बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, पंजाब के अंदर भी बेमौसम बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, पंजाब के अंदर भी गुलाबी सुंडी की वजह से फसलें बर्बाद हो गई और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही सरकार, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा।
इसलिए मैं उस मुद्दे के लिए आज यहां पे आया हूं। मैं चन्नी साहब को, कई लोग मेरे को आते हैं, मेरे को कहते हैं चन्नी कि चन्नी साहब आजकल आम आदमी की नकल कर रहे हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, चन्नी साहब आम आदमी की नकल करना बड़ा आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। वादे करने बड़े आसान हैं, वादे निभाने बड़े मुश्किल हैं। हम आम आदमी पार्टी वाले जो वादे करते हैं वो वादे पूरे भी करते हैं। तो मैं चन्नी साहब से अपील, और फिर मैं पंजाब की जनता को भी कहना चाहता हूं कि भाई जब ओरिजिनल आपके सामने खड़ा है तो फिर डुप्लीकेट को वोट देने से क्या फायदा। रोक लो इनानू, रोक लो ये आंकड़ा बदन तो रोक लो, क्योंकि पिछली सरकार ने जो धोखा दिता सी उसने किसानों का लक तोड़ के रख दिता। हुण हो रही खुदकुशियां ने वो जख्म छिलने शुरू कर दिते है, ते विरोधियों नू सरकार घेरन का मौका भी तुसी आप दे रहे हो। कांग्रेस के सबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया देते पोस्ट पा के लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी तुसी झूठ बोलना कदों बंद करोगे, इको जिले के विच 7 किसान खुदकुशियां कर गए ने। सोच के देखो 23 जिलों के विच किसानों की की हालत होगी। कि तुसी एक ही परिवार नू जाके मिले हो, पंजाब प्रति तुहाडे जिम्मेवारी अते फिकर हुण कित्थे है, वादे अनुसार किसानों का मुआवजा कित्थे है, जो प्रवचन तुसी दिंदे हो उस उत्ते अमल भी करो। इस तो पहला कि सरकार विरोधियों के नाल नाल किसानों के निशाने के उत्ते आ जाए, फुरसत के पलों के विचों कुछ पल पंजाब नू भी दिओ।